डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक जैन और आज का हमारा टॉपिक होगा मेजरमेंट पार्ट थ्री। मेजरमेंट पार्ट थ्री आपको समझ में तभी आएगा जब आपने पार्ट वन और पार्ट टू को अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, यदि आपने अभी तक मेजरमेंट पार्ट वन और पार्ट टू को नहीं देखा हो तो सबसे पहले आप मेजरमेंट पार्ट वन और पार्ट टू को देखिए, तब आपको ये मेजरमेंट पार्ट थ्री समझ में आएगा। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं डायमेंशनल फार्मूला क्या होते हैं और उनके कुछ एप्लीकेशन। ठीक है, आज हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन होगा टू फाइंड रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं वो आज के इस सेक्शन में देखेंगे और मेनली हम लोग इसको न्यूमेरिकल के माध्यम से समझेंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल IIT और नीट में अक्सर आते रहते हैं और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो। ठीक है, रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो आप इसमें एक न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको समझ में जाना जल्दी आएगा। तो आप इसमें देखिए, देखिए क्वेश्चन ये है, वैल्यू ऑफ फोर्स इज डिपेंड ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस, फाइंड रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, फोर्स की वैल्यू मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पर डिपेंड करती है, तो आपको इन सभी में रिलेशन बताना है या किसी भी फार्मूले को अगर आपको फाइंड करना हो, आपको ये मालूम हो कि उसमें एक क्वांटिटी और कितनी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, तो आप इसको डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आइए देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन सी क्वांटिटी डिपेंड करती है। तो आप ये देखिए, फोर्स, फोर्स डिपेंड करती है किस पर, डिपेंड करती है मास पर, तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास, वेलोसिटी एंड रेडियस आपको लिखना है और इन तीनों की पावर लेनी है ए, बी एंड सी। ठीक है ना, जो क्वांटिटी डिपेंड करती है वो लेफ्ट साइड में, जिस जिस पर डिपेंड करती है वो लिखनी है आपको राइट साइड में। ठीक है, इसके बाद प्रोपोर्शनल साइन हटाने से एक कॉन्स्टेंट आएगा के। ठीक है, फिजिक्स में हमेशा जब भी हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो हमेशा कोई ना कोई एक कॉन्स्टेंट लेते हैं, तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट लिया हमने के। ठीक है, के एम टू दी पावर ए, वी टू दी पावर बी और आर टू दी पावर सी। ठीक है इतना। अब आप ये देखिए, इन सभी के हमें लिखने हैं डायमेंशनल फार्मूला। एफ का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, एम एल टी माइनस टू या एम वन एल वन टी माइनस टू, और ऊपर वाले को आप दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर पर। ठीक है, इक्वल टू के एम टू दी पावर है ए, एम होता है मास, मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा एम वन एल जीरो टी जीरो, जीरो वाले टर्म है उनको भी हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो एम टू दी पावर ए। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, यानी लेंथ ओवर टाइम एल टी माइनस वन, इसमें एम नहीं आएगा तो एम को नहीं लेते हैं, टू दी पावर बी और आर टू दी पावर सी। आर क्या कहलाएगी, लेंथ। ठीक है, लेंथ की पावर हो गया सी। अब आप ये देखिए, एम वन एल वन टी माइनस टू इक्वल टू के, एम की टोटल पावर क्या होगी, यहां एम की पावर ए है, इसमें एम नहीं है, इसमें भी एम नहीं है, तो टोटल पावर हो जाएगी ए। एल की टोटल पावर कितनी होगी, यहां से आएगा बी और यहां से आएगा सी, तो टोटल पावर होगी बी प्लस सी। ठीक है, और टी की टोटल पावर क्या होगी, माइनस बी। ठीक है, अब आप पावर का यहां कंपेरिजन करवाइए, यहां पर एम की पावर है वन और यहां पर एम की पावर है ए, तो हो जाएगा वन इक्वल टू ए। सेकेंड में एल की पावर है वन और यहां पर एल की पावर है बी प्लस सी, तो वन इक्वल टू बी प्लस सी। टी की पावर है माइनस टू और यहां से टी की पावर है माइनस बी। ठीक है, तो इससे हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी टू, ए की वैल्यू आ जाएगी वन। ठीक है, और बी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे टू, तो सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। ठीक है, अब ये तीनों वैल्यू आ चुकी हैं, इसको हम इक्वेशन वन में रखेंगे, एफ इक्वल टू के
एम टू दी पावर ए, ठीक है, एम टू दी पावर ए, ए की वैल्यू कितना है 1, वी टू दी पावर बी, वी टू दी पावर 2, आर टू दी पावर सी, सी की वैल्यू है -1, ठीक है। तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा के एम वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है, ये इन दोनों में रिलेशन होगा, ठीक है। तो अगर हमें किन्हीं भी फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन फाइंड करना हो, जैसे यहाँ पर फाइंड करना था फोर्स, फोर्स का रिलेशन मास, वेलोसिटी और रेडियस के साथ, तो क्या रिलेशन आया, एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, और के यहाँ पर कांस्टेंट है। और डायमेंशनल एनालिसिस का ये ड्रॉबैक भी है कि हम के की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एफ इक्वल टू आएगा के एम वी स्क्वायर ओवर आर, ये इंसान। और देखते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैपिटल टी डिपेंड ऑन लेंथ एल एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, फाइंड रिलेशन बिटवीन देम। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन बताते जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा तो हम लोग आईआईटी और नीट के स्पेशल क्वेश्चन इस पर लगाएंगे। अभी आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये क्वेश्चन 11th क्लास आईआईटी और नीट सभी में आ सकते हैं, लेकिन अभी हम केवल कॉन्सेप्ट और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पर फोकस यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए कौन डिपेंड करता है, टाइम पीरियड टी जो डिपेंड करता है उसको रखना है लेफ्ट में, और किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है लेंथ एल, एल टू दी पावर हो जाएगा ए, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, जी की पावर हो जाएगा बी, ठीक है। टी प्रोपोर्शनल टू एल टू दी पावर ए, जी टू दी पावर बी, ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है। अब आप ये देखिए जब भी प्रोपोर्शनल साइन आते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आता है के एल टू दी पावर ए, जी टू दी पावर बी। अब हम इन तीनों के डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं, तो टी यानी टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, एम जीरो एल जीरो टी टू दी पावर वन, के कॉन्स्टेंट है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एल होगी लेंथ, इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा एम जीरो एल वन टी जीरो, तो जीरो वाले टर्म अभी हमने कंसिडर नहीं किए हैं, टू दी पावर ए, और जी, जी होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, जो एक्सीलरेशन का होगा, एल टी माइनस टू टू दी पावर बी, ठीक है। यहां से क्या आएगा, एम जीरो एल जीरो टी टू दी पावर वन इक्वल टू के, एल की पावर यहां से आएगी ए और यहां से आएगी बी, तो एल की टोटल पावर होगी ए प्लस बी, ठीक है, और टी की टोटल पावर क्या होगी यहां से, माइनस टू बी, ठीक है। अब हम कंपेयर करते हैं, एम की पावर यहां पर जीरो है, यहां भी एम की पावर जीरो होगी, तो जीरो इक्वल टू जीरो, ठीक है। सेकंड, एल की पावर है जीरो और यहां से एल की पावर होगी ए प्लस बी, ठीक है, इससे रिलेशन क्या आएगा, ए इक्वल टू माइनस बी। थर्ड देखते हैं, टी की पावर यहां पर वन है और टी की पावर यहां पर माइनस टू बी है, वन इक्वल टू माइनस टू बी, इससे बी की वैल्यू आएगी माइनस वन ओवर टू, ठीक है। अब आप ये देखिए बी की वैल्यू माइनस वन ओवर टू है तो ए की वैल्यू क्या कहलाएगी, वन ओवर टू। अब इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर वन और ये सारी वैल्यू इक्वेशन वन में पुट करते हैं, इससे क्या आएगा, टी इक्वल टू के एल टू दी पावर ए, एल टू दी पावर वन बाई टू, जी टू दी पावर बी, जी टू दी पावर माइनस वन बाई टू, तो टी इक्वल टू हो जाएगा के एल टू दी पावर वन बाई टू ओवर, इसको नीचे ले आते हैं जिससे पावर प्लस हो जाए, जी टू दी पावर वन बाई टू, इससे t इक्वल टू आएगा k अंडर रूट एल ओवर जी, ठीक है ना। एक्चुअल में फार्मूला होता है t इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल ओवर जी, लेकिन इस मेथड से हमें k की वैल्यू पता। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे देखिए,
to find distance d over which a signal can be seen clearly in foggy conditions, a railway engineer used dimensional analysis and assumed that the distance depend on mass density rho of the fog, intensity s of the light from the signal and its frequency f. The engineer finds that d is proportional to h to the power 1 by n, the value of n h. ठीक है, तो इसमें मेनली हमें क्या समझना है, डिपेंड कौन करता है, डिपेंड करता है d. किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस d डिपेंड करता है मास डेंसिटी रो. ठीक है, मास डेंसिटी रो, और दूसरा किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी s, इंटेंसिटी s, और थर्ड आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी f. ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, d प्रोपोर्शनल टू रो टू दी पावर a, h टू दी पावर b और f टू दी पावर c. ठीक है, प्रोपोर्शनल साइन हटाने पर एक कांस्टेंट आएगा k, रो टू दी पावर a, एस टू दी पावर b और f टू दी पावर c. ठीक है ना, अब हमें इन सभी के लिखने हैं डायमेंशनल फार्मूला. ठीक है ना, इसके बाद इक्वेशन नंबर 1 में सभी की वैल्यू लिखेंगे और ABC की वैल्यू जैसे अभी तक फाइंड करते थे उसी टाइप से इसको फाइंड करके आगे देखिए सभी के डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं. d का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, देखिए d मतलब डिस्टेंस और डिस्टेंस का क्या होता है, l टू दी पावर 1, तो m0 l टू दी पावर 1 t0. ठीक है, रो होता है मास डेंसिटी और आपको मालूम है फार्मूला मास इक्वल टू होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. डेंसिटी को जनरली d या रो सिंबल से डिनोट करते हैं, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ओवर वॉल्यूम, मास का होगा m और वॉल्यूम का क्या होगा l क्यूब, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. ठीक है, इससे आ जाएगा डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला m टू दी पावर 1 l टू दी पावर माइनस 3 t0. ठीक है, ऐसे इंटेंसिटी और इंटेंसिटी आपको गिवन भी है पावर ओवर एरिया. ठीक है, अब पावर का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग कैसे फाइंड करते थे, वर्क पर यूनिट टाइम. ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, साथ में है एरिया, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, टाइम का हो गया टी, एरिया क्या हो गया एल स्क्वायर, सॉल्व करने पर आएगा एम टू दी पावर वन एल जीरो टी टू दी पावर माइनस थ्री. ठीक है, एफ ए फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी इक्वल टू होता है वन अपॉन टाइम पीरियड. ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन वन सेकेंड, तो फ्रिक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला होता है वन ओवर टी यानी टी टू दी पावर माइनस वन. ठीक है, अब आप ये सारी वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कीजिए. एम जीरो, सबसे पहले डी की वैल्यू रखते हैं, एल वन टी टू दी पावर जीरो इक्वल टू के, रो का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एम वन एल माइनस थ्री, जीरो वाले भी हम छोड़ देते हैं, टू दी पावर ए एस, एस का क्या आया एम वन टी माइनस थ्री, एम वन टी माइनस थ्री टू दी पावर बी, और एफ का आया टी टू दी पावर माइनस वन टू दी पावर सी. ठीक, एम टू दी पावर जीरो एल टू दी पावर वन टी टू दी पावर जीरो इक्वल टू के, एम की टोटल पावर क्या आएगी, यहां से ए प्लस बी और यहां पर नहीं है, तो m की टोटल पावर a प्लस बी, l की टोटल पावर क्या होगी, माइनस थ्री ए, यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है, तो टोटल हो गया माइनस थ्री ए. t की टोटल पावर क्या होगी, इसमें नहीं है, ये होगा माइनस थ्री बी माइनस सी. ठीक है, अब आप ये देखिए m टू दी पावर यहां पर जीरो है, जीरो का कंपेरिजन किससे होगा, यहां पर m की पावर है a प्लस बी, यहां से l की पावर है वन और यहां से l की पावर है माइनस थ्री ए. ठीक है,
और यहां से टी की पावर है जीरो, यहां से टी की पावर होगी माइनस थ्री बी प्लस सी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। अब आप ये देखिए, इनको सॉल्व करते हैं तो ए की वैल्यू हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन से ए इक्वल टू होगा माइनस वन ओवर थ्री। ठीक है, ए की वैल्यू रखते हैं तो बी की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू आएगी वन ओवर थ्री। ठीक है, और बी की वैल्यू आप यहां पर रखते हैं वन ओवर थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल आएगा माइनस वन, तो सी की वैल्यू आ जाएगी वन। ठीक है, और हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, डी इक्वल टू के रूट टू दी पावर ए, ए की पावर है माइनस वन ओवर थ्री, एस की पावर बी, बी की वैल्यू है वन ओवर थ्री, एफ टू दी पावर सी, सी की वैल्यू है वन। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में गिवन था d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s टू दी पावर वन ओवर n। ठीक है, अब आप देखिए d इज प्रोपोर्शनल टू s टू दी पावर वन ओवर थ्री, इससे कंपेरियन करवाते हैं तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, थ्री। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए IIT में आई हुई एक प्रॉब्लम और देखते हैं। एक गैस बबल फ्रॉम एन एक्सप्लोजन अंडर वाटर ऑसिलेट विद ए पीरियड टी प्रोपोर्शनल टू पी टू दी पावर ए डी टू दी पावर बी ई टू दी पावर सी, वेयर पी इज द स्टैटिक प्रेशर, डी इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एंड कैपिटल ई इज द टोटल एनर्जी ऑफ द एक्सप्लोजन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, कौन डिपेंड करता है, पीरियड टी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखिए टी प्रोपोर्शनल टू किस किस पे डिपेंड करता है, पी टू दी पावर ए, पी टू दी पावर ए डी टू दी पावर बी और ई टू दी पावर सी। ठीक है, इन तीनों पे डिपेंड करता है, आपको ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डिपेंड करता है वो लेफ्ट साइड में, और जिस जिस पे डिपेंड करता है वो राइट साइड में, और पावर आएंगी ए बी और सी। ठीक है ना, अब प्रोपोर्शनल साइन जैसे ही हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा के, टी इक्वल टू के पी टू दी पावर ए डी टू दी पावर बी ई टू दी पावर सी। ठीक है, टी है टाइम पीरियड। ठीक है, या टाइम, टाइम को कैसे डिफाइन करते हैं, एम जीरो एल जीरो टी टू दी पावर वन। यहाँ पर पी के बने प्रेशर, और प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो आप इसमें फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, एम एल टी माइनस टू, एरिया का हो जाएगा एल स्क्वायर, इससे आएगा m l टू दी पावर माइनस वन t टू दी पावर माइनस टू। ठीक है, d है डेंसिटी, मास ओवर वॉल्यूम, और वॉल्यूम का क्या होगा l क्यूब, तो m वन l माइनस थ्री t जीरो। ठीक है, और e है एनर्जी, एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हो, एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं, एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल। ठीक है ना, और डेफिनेशन क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है ना, तो आप ये देखिए, एनर्जी मीन्स वर्क, और वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, किसी भी टाइप की एनर्जी होगी, कोई भी एनर्जी होगी, उसका डायमेंशन फॉर्मूला यही होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, ये सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में पुट करते हैं, तो आप देखिए टी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, टी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एम जीरो एल जीरो टी वन इक्वल टू के पी टू दी पावर ए। ठीक है, पी का डायमेंशन फार्मूला एम एल माइनस वन टी माइनस टू टू दी पावर ए डी, डी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा एम वन एल टू दी पावर माइनस थ्री टू दी पावर बी। ठीक है, और ई, ई होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू टू दी पावर सी। ठीक है, अब आप ये देखिए पावर का कंपेरियन करवाते हैं, यहां एम की टोटल पावर है जीरो, यहां से क्या आएगा एम टू दी पावर ए एम टू दी पावर बी और एम टू दी पावर सी, तो ये हो जाएगा एम की टोटल पावर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सेकंड एल टू दी पावर यहां से आएगा जीरो, और यहां से
एल टू दी पावर माइनस ए, इसमें आएगा माइनस थ्री बी, इसमें आएगा प्लस टू सी। ठीक है, थर्ड देखते हैं, टी की पावर यहां से आएगी वन, यहां पर टी की पावर होगी माइनस टू ए, यहां पर टी नहीं है और यहां से होगी माइनस टू सी। ठीक है, अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करते हैं और इसको हम इक्वेशन वन में रख के टी का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमें सिर्फ ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो आप आंसर से भी इसको चेक कर सकते थे, ठीक है ना, लेकिन हमें यहाँ पर तो वैल्यू बतानी है ए बी और सी की। अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर चला गया तो ए इक्वल टू हो जाएगा थ्री बी प्लस टू सी, ए की वैल्यू हम इस इक्वेशन में या यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, और इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर ए की वैल्यू आती है माइनस फाइव बाई सिक्स, बी की वैल्यू आती है वन बाई टू और सी की वैल्यू आती है वन बाई थ्री। ठीक है ना, तो हमें क्वेश्चन में ए बी और सी की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब मेजरमेंट के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है।